नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं समर इंडिया न्यूज। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में मंगलवार को पाकिस्तान बांग्लादेश विश्व कप क्रिकेट मैच के दौरान कुछ लोगों ने फलस्तीन का झंडा फहराया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। इसकी जानकारी पुलिस ने दी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उनमें से 2 झारखंड के निवासी हैं, जबकि अन्य 2 कोलकाता के इकबालपुर और पड़ोसी हावड़ा के हैं। अधिकारी ने कहा कि हमने उनमें से 2 को गेट नंबर 6 के पास और अन्य को 2 को ब्लॉक G1 पर फलस्तीनी झंडा लहराने के लिए हिरासत में लिया है। हम उनके मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 4 को कानून लागू करने वालों ने मैदान पुलिस स्टेशन से हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने विस्तार से बताया कि वहां तैनात पुलिसकर्मी पहले तो समझ ही नहीं पाए कि प्रदर्शनकारी क्या कर रहे हैं, फिर उन्होंने फलस्तीन का झंडा लहराया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हालांकि उन्होंने कोई नारा नहीं लगाया। कोलकाता पुलिस के सूत्रों ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि 4 लोग, जिनकी उम्र लगभग 20 वर्ष के बीच है, गाजा में चल रहे इसराइल हमास संघर्ष का विरोध कर रहे थे और उन्होंने अपने आंदोलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैच को चुना है।